रात को मैंने वो वीडियो देखी तो कम से कम 2 बजे तक नींद नहीं आई भाई। भाई कैमरा नहीं तोड़ो भाई किसी का, ना किसी को आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है ऐसे भी आप समझाओ, समझाना प्यार से समझाओ, पर आप लोगों ने गलत किया भाई उसके साथ, ठीक है मंजूर साहब। बट मेरे को उसकी एक बात बहुत बुरी लगी, उसने ये बोला कि लग गई तो लग गई, मरा तो नहीं ना। उस अंकल के लिए जो उसने बाजार में एक क्रैश हुआ था जिस थे, अगर भाई तेरे घर वाले होते, तेरे रिश्तेदार होते मंजूर, तो तू यही बोलता कि लग गई तो लग गई, मरा तो नहीं ना, बच गया चल, तेरे को फोन करके भी समझा सकता था। बट क्यों मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि तेने मेरे को हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है आराम से भाई, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को, तेरे से कोई पर्सनल हेट नहीं है, ठीक है तेरे को पता है मैं तेरे को क्या समझा रहा हूँ, तू समझ गया हो। मैंने ब्लैंकेट मंगाए बहुत सारे, जो गरीब लोग हैं जरूरतमंद लोग हैं आजकल ठंड में, उनको हम ब्लैंकेट देंगे सबको बांटेंगे, अभी वो वीडियो आने वाली। और 50,000 प्लस सब्सक्राइबर पे मैंने बोला था गौशाला बनाएंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब हो गए बढ़िया। तो भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आप लोगों ने थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि कौन सी वीडियो आज है भाई, तगड़ी वीडियो आने वाली भाई आज, ठीक है आने वाली क्या आ रही है आप जो देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज वीडियो आ रही है अपने रोडू से बाबा मंजुल पन्नाटू पे, ठीक है। मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है भाई उससे, सच्ची मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं। ये देख सकते हो मेरा गाँव, और ये चोटी दिख रही है, ये वाली चोटी दिख रही है आपको, इसके परली साइड उसका गाँव, 4-5 किलोमीटर का फासला, ज्यादा नहीं भाई 4-5 किलोमीटर का फासला। कल रात को मैंने वो वीडियो देखी तो कम से कम 2 बजे तक नींद नहीं आई भाई। यही चीज आज बुरी लगी मेरे को, जो उसके साथ उन बंदों ने किया पटसारी में, कहीं भी किया इसको पता है खुद को, तो वो उन बंदों ने बहुत गलत किया भाई। कैमरा नहीं तोड़ो भाई किसी का, ना किसी को आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है ऐसे भी आप समझाओ, समझाना प्यार से समझाओ, पर आप लोगों ने गलत किया भाई उसके साथ, ठीक है मंजूर साहब। बट मेरे को उसकी एक बात बहुत बुरी लगी, उसने ये बोला कि लग गई तो लग गई, मरा तो नहीं ना। उस अंकल के लिए जो उसने बाजार में एक क्रैश हुआ था जिस अंकल के साथ, हो नानू के साथ बुजुर्ग थे, अगर भाई तेरे घर वाले होते, तेरे रिश्तेदार होते मंजुल, तो तू यही बोलता कि लग गई तो लग गई, मरा तो नहीं ना, बच गया चलो कोई नहीं हॉस्पिटल ले लेते हैं। ये तो गलत बात है भाई तेरी, बहुत गलत बात लगी भाई मंजुल तेरी, तेरे को मैं फोन करके भी समझा सकता था। बट क्यों मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि तेने मेरे को हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, और तूने मेरे को क्या नाम बोलते इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कॉल से तो पहले ही नहीं भाई, मैंने मेरे पाप तेरा नंबर भी मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है उस टाइम से तेने ब्लॉक किया जिस टाइम मैं 16 ना था, तेरे को याद होगा, ठीक है मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है समझ गया होगा तू, ठीक है ना। और तूने ये चीज़ बहुत गलत बोली भाई, ये चीज़ तेरी बहुत गलत है। और तू बोल रहा है ना कि मैं रोडू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कुछ भी बोला था ना भाई, तू उनको इसी अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तूने भाई जहाँ का है तू जुब्बल का ना, तेने उसका एक नाम लिया कभी जुब्बल का, ठीक है ढंग से, ठीक है ना कभी नहीं। तो भाई सबसे पहली बात यह है भाई, ये तेने बहुत गलत बोला, इसके लिए मैं तेरे को इसीलिए समझा रहा हूँ मैं तेरे को, मेरे को कोई पर्सनल हेट नहीं है तेरे से, ठीक है भाई तू भी यहीं का ही है भाई, मैं भी यहीं का हूँ, एक ही गांव के है, तेरे को तो पता है एक ही गांव बोलेंगे भाई, 2-1 किलोमीटर में क्या फैसला होता है, 2-4 किलोमीटर में, ठीक है भाई। तो दूसरी बात तेने ये बोली थी कि क्या नाम बोलते मैं रोडू से पहला हूँ, ठीक है रोडू से पहला नहीं है भाई तू, तेरे से पहले बहुत आए बेचारे उठे नहीं, किस्मत खराब थी, ठीक है सबकी, कोई उठा नहीं, कोई कुछ कर नहीं पाया भाई, सबकी किस्मत, तेरे से पहले तो ऐसे मैं था फिर, अगर पहले की बात आए तो, ठीक है ब्रो वो भी व्लॉगिंग की बात कर रहा है ना तू, उसमें तेरे से पहले तो मैं ही था, ठीक है भले ही तूने गाने गुने गाए होगे, गोच भी किया होगा, अपने गुस्से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना भाई, तेरे से पहले तो फिर भी मैं था। एक बार ही मैं और खलास्ता वहां नीचे अपने ही रोड पे बैठ के आर तेरे को समझाया हमने अच्छे से, ठीक है कि मंजुल वीडियो बना ले फालतू घूम रहा होता है, हम ही ने बताया तेरे को, सजेशन दिया था वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना हम ही थे, तेरे को याद ना हो तो मैं याद दिला दूं तेरे को मैं, ठीक है तू अपने बंदों को भूल रहा है और अपने बंदों को बोल रहा है कि चीड़ते हैं हमारे से, ठीक है ना इधर के ही बंदों के, ठीक है ना मैं 50 बंदे खड़े कर सकता हूँ जो ऐसे बोलेंगे कि हमने समझाया, ठीक है तेरे को पता है, थोड़ा क्या नाम बोलते सुन लिया कर भाई दूसरों की बातें भी और समझ लिया कर। हम मैं और खलास्टा नीचे बैठे थे, तू भी हमारे साथ था, ठीक है जिस दिन हम घर आ रहे थे, ठीक है सावड़ा में जब पहले हम घूमे उसके बाद हम घर आए, वहां बैठे थे हम नीचे अपने ही रोड पे सावड़ा पुल से आर, तो वहां मैंने खलास्टा ने बोलते थे तू इतना घूमता है भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ले, तूने बोला भैया फोन नहीं है कैमरा नहीं है, ठीक है ना ठीक है ये चीज बोली तेने, ठीक है। और
फिर उसने बोला कि ये काकू के पास कौन सा फोन है यहाँ, देखिए इसके पास इतना सही फोन है, तेरे से तो तेरे से भी बेकार फोन है इसके पास। तो तूने बोला कि क्या नाम बोलते, चलो ठीक है फिर कर दूंगा। हमने बोला तो कर ले भाई, बहुत अच्छा है वो बनेगा, आगे बनेगा बहुत कुछ होगा आगे भाई, अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तेरे तो, जल्दी भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमने तेरे को समझा, याद होगा तेरे को, ठीक है ना। फिर तू बोलता है कि अपने ही बंदे चिढ़ते हैं भाई, ठीक है। और तू बोल रहा है कि क्या नाम बोलते, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तू भाई, बदनाम कर रहा है भाई इधर के लोगों को, शहरों में क्या इफेक्ट जा रहा है पता है तेरे को। एक बात मेरे को अच्छी लगी कि यहाँ के लोग किसी एक को उठते हुए नहीं देख सकते, ये तेरी बात बिल्कुल सही है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, दिल में लगी ये बात तेरी मेरे को, ठीक है ना। बाकी अपने को कोई हेट नहीं है तेरे से भाई, इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा जो बाजार वगैरह होते हैं ना, पब्लिक प्लेस होता है, उसमें थोड़ा आराम से चल भाई, खाली रोड में भाग तू जितना भागना चाहे ना, जितना मर्जी भाग तू, मीटर डेड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मर्जी कर तू, स्टंट्स कर, कुछ भी कर, ठीक है, बट यार पब्लिक प्लेस में थोड़ा आराम से चल। अगर उस नानू को, जो नानू के लिए तैने ये बोला कि ठुक गया मरा तो नहीं ना, बट ये बात गलती तेरी, बट देख 100% गलती में से 70% नानू की गलती थी, वो बीच रोड में आए, ठीक है, ऐसे आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, और 30% गलती तो तेरी भी थी भाई, तू भी तो थोड़ा स्पीड में ही था, ठीक है, देख लियो अपनी वीडियो खुद से ही, ठीक है ना। मैं कोई गलती नहीं बोल रहा, तेरे को पता है खुद को, ठीक है, और मेरे को कोई पर्सनल हेट नहीं तेरे से भाई, हम एक ही गाँव के, एक ही साइड के, ठीक है, तू उठे मैं उठूं एक ही बात है भाई, तू उठ गया हमारे को खुशी है भाई, चलो अपनी साइड का भी कोई बंदा है भाई, ठीक है ना। तो भाई अब इसमें क्या जलन होगी भाई किसी को, ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है बताया था ना अभी तो, बिल्कुल भी कुछ नहीं, तू बाहर ही घूम रहा है भाई, ठीक है, अपने घर का भी दिखा ले, जो जहाँ का है तू, मेन जगह जहाँ तू रहता है, होम टाउन है जो तेरा, ठीक है, दिखाना चाहिए भाई सब कुछ, ऑडियंस को अपनी बता ले सच सच, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहा मैं तेने सब कुछ झूठ बोल दिया उनको, बस ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि तू दिखा ले भाई, क्योंकि ऑडियंस को भी अच्छा लगता है भाई, उनको पता होना चाहिए कि हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं वो है कहाँ का भाई, यही नहीं पता वो वो उसके घर वाले है कौन कौन है, उसके घर में क्या क्या चाह होती ना एक मन में पूछने की ऑडियंस को, वो पूछ नहीं सकती, कमेंट करेगी भी तो इतने कमेंटों में कौन पढ़ेगा, कमेंट पढ़ भी नहीं सकते कमेंट, तेरे को पता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई सब कुछ सच्चाई से रहे, और पब्लिक प्लेस में थोड़ा आराम से चल, जो तेने ये वर्डिंग बोली ये तेने बहुत गलत बोली भाई, जो उन बंदों ने ये किया ना, जो तेरा कैमरा तोड़ रहे थे वो, और जो तेरे को गाली गलोच कर रहे थे वो, उनकी बहुत गलत बात थी भाई, बहुत गलत, वो मेरे को भी अच्छी नहीं लगी भाई, ठीक है ना, वो बहुत गलत चीज की उन्होंने, वो प्यार से समझा सकते थे तेरे को, बट नहीं, उन्होंने बदतमीजी करनी थी भाई, क्योंकि उन्होंने कैमरे में आना था, बात ये है, ठीक है, ठीक है ना, इसमें तेरी वीडियोज में आना था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर भाई, आगे और तरक्की कर, 1,00,000, 5,00,000, भगवान करे तेरे जल्दी से जल्दी 1,000,000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बहुत खुशी होगी भाई अपनी साइड का बंदा, ठीक है ना। और भाई तू तो हमारे को देखता भी नहीं, एक दिन भी मैं अपनी गाड़ी लेके जुब्बल रोड में खड़ा था, बिल्कुल हाईवे पे था मैं खड़ा, बिल्कुल हाईवे पे, कहीं ऐसे भी नहीं था कि अलग से कहीं खड़ा था, बिल्कुल हाईवे पे, हाईवे से बाहर भी नहीं थी मैंने गाड़ी लगाई, रोड में ही मैंने गाड़ी थी लगाई हुई भाई, और मैं गाड़ी के सामने था खड़ा बाहर, तू सामने से आया और मैंने इतनी जोर से आवाज मारी था, ओए मंजुल, तूने सुना भी नहीं भाई, ठीक है, तू देखता ही नहीं भाई अपने बंदों को यार, तब बोलता तू कि चिढ़ते हैं बंदे भाई, तब चिढ़ उनको इसलिए होती है ना भाई, तू बंदा हमारी साइड का बंदा, हमारे कोई नहीं देख रहा, इसलिए थोड़ा दिल में तो लगता है ना भाई, तो इसीलिए गुस्सा होता है भरा लोगों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं, देख लिया कर, अरे पर भी रुक लिया कर, जरूरी नहीं कि स्पीड में जाना पड़ता है भाई, थोड़ा आराम से चल दिया कर अपने एरिया में, क्योंकि अपने एरिया वहां से चलना चाहिए, बहुत लोग मिलते हैं भाई सबसे मिल, ठीक है ना, अब तो तेरे से मिलेंगे भी लोग, तो तू मिलना सबसे, आराम से चल, थोड़ा ये नहीं कि तू गोली की रफ्तार से निकल रहा भाई, थोड़ा आराम से भाई, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को तेरे से, कोई पर्सनल हेट भी नहीं है, ठीक है, तेरे को पता है मैं तेरे को क्या समझा रहा हूँ, तू समझ गया होगा, ठीक है ना। ये वर्डिंग तेरी गलत लगी थी मेरे को, और जो पब्लिक प्लेस है उसमें थोड़ा आराम से चला कर मेरे भाई, खाली रोड में तू मीटर डेड कर, तू चाहे जो मर्जी कर, ठीक है, कोई नहीं बोल सकता तेरे को, ठीक है। जो स्पीड लिमिट की बात वो कर रहे थे, 40 नहीं थी यहाँ स्पीड लिमिट, तो बाकी अभी हम मैंने ब्लैंकेट मंगाए बहुत सारे, जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं आजकल ठंड में, उनको हम ब्लैंकेट देंगे, सबको बांटेंगे, अभी वो वीडियो आने वाली, और 50,000 प्लस सब्सक्राइबर पे मैंने बोला था गौशाला बनाएंगे हम पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो आप लोगों ने शेयर नहीं करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तभी मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा ना भाई, मैं हेल्प करना चाहता हूं भाई, मैं इतना अमीर नहीं हूं भाई, मेरे पास मारुति है भाई, इतना अमीर तो हूं नहीं मैं, ठीक है, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मेरे पास कोई और गाड़ी भी होती, आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना, मैं इतना सेठ आदमी नहीं हूँ, सपोर्ट करो भाई लोग, और क्या नाम बोलते हैं अभी और लोगों की भी हेल्प करेंगे भाई, ठीक है। एक दिन इसी वीडियो में मंजुल तेरे को बोल रहा हूँ, एक दिन तू मेरे व्लॉग में भी आएगा भाई,
ठीक है मेरे भाई, अपनी एक ही साइड के, कोई ऐसा लेना वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई मेरे को, ना तेरे से ना तेरे को मेरे से होगी तो अलग बात है भाई, मेरे को तो तेरे से बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है तो भाई ऐसी कोई हम दो मैं वो नहीं है, कोई खुंदक नहीं है, मैं इसको अपने ब्लॉग में ला सकता हूँ। अब ये तू ये सोचेगा कि सब्सक्राइबर के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में ये वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे को अपने गांव के उससे समझा रहा हूँ भाई। ये मेरा गांव है भाई, इस चोटी के परे को उसका गांव है, 2-4 किलोमीटर का फासला है हम दो के गांव के बीच में, ठीक है ना। तो भाई ये था आज की वीडियो में, यही समझाना था तेरे को भाई, ज्यादा दूर तो है नहीं, हम आप खुद ही देख लो भाई, यहाँ से ठीक है यहाँ तक कोई ज्यादा दूर है ठीक है ना, तो आप लोग खुद ही देख लो भाई, ऐसा कोई पर्सनल हेट नहीं है किसी को, ठीक है ना भाई। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो लोग भी नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को कर ले प्रेस, तो ठीक है, ताकि मैं जो भी ब्लैंकेट बांटने वाली वीडियोस और वीडियोस डालूं, हेल्पिंग वीडियोस, तो आप लोगों को सबसे पहले दिखे भाई वो वीडियो, ठीक है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत कुछ करेंगे, बहुत लोगों की तरक्की करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोगों को सपोर्ट करेंगे, जो भी गरीब लोग हैं बेचारे उनको जो ज़रूरत होगी वो देंगे भाई, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। बाकी कोई पर्सनल हेट नहीं है, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में यही था भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।